दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम सुबह सुबह आ गए हैं अपने मार्केट में यहाँ जलेबी खाने के लिए। तो आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ जलेबी कैसे बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनाते हैं, क्योंकि छुट्टियों में जितना दिन मैं रहा हूँ अधिकांश आके जलेबी खाया हूँ। तो जलेबी खा लेते हैं, फिर मिलेगा वहाँ तो नहीं मिलेगा क्रोशिया में, और जो है कि यहाँ जब तक हैं तब तक खा लेते हैं। तो यह है मेरा मार्केट जहाँ पे मैं डेली मिलता हूँ, और जो है कि देखिए और देखिए सब दुकानें बंद हैं। फोर लाइन है हमारा इधर उधर दोनों तरफ। अच्छा व्यू है देखने को, मार्केट शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो यह है कि अबाड़ी मोड़, ठीक है, मेरे गांव का नाम अबाड़ी है, जहाँ मैं मेरा घर है, और ये सठिया पोस्ट सठिया जिला आजमगढ़। तो सुबह सुबह आ जाते हैं गांव में से निकल के यहाँ पे खाने के लिए जलेबी। तो दिखाता हूँ जलेबी आज यहाँ का। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं, क्योंकि आज एक दो दिन और रहना है, उसके बाद तो क्रोशिया चले जाना है। क्रोशिया जाने के बाद फिर नहीं मिलेगा हमको, तो जब तक है तब तक खा लेते हैं, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों सुबह से आज घुमाई हो रही है, और जो है कि खरीदारी हो रही है, मार्केट हो रहा है सुबह से। देखो अभी नहाया भी नहीं हूँ और इधर उधर घूम रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, और जो है कि जो सामान खरीदना है खरीद लेते हैं, लेकिन वहाँ पे पता नहीं मिलता तो है सब सामान, लेकिन बहुत महंगा मिलता है। और यहाँ से जो सामान लेके जाएंगे वो कम दाम में अच्छा मिल जाएगा, और वहाँ पे उस वही चीज़ का मतलब डबल है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो वहाँ आदमी खरीद नहीं पाता है, पैसे काउंटिंग करता है कि हाँ भैया इतना पैसा हो गया, ठीक है। तो ये है मेरा बच्चा छोटा सा, मेरा बाबू चमाद बाबू, बढ़िया है ना। तो ये है, इसको आज घुमा देता हूँ गाड़ी में हैं, और बगल में बैठी हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। जो है कि एक दो दिन और घूम लेते हैं, गाड़ी का मजा ले लेते हैं, फिर चल के क्रोशिया में, फिर जो है कि आप लोग बताएंगे, क्रोशिया में दिखाएंगे कैसा क्रोशिया है और इस समय कैसा क्रोशिया चल रहा है। तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया जाते ही आप क्रोशिया का वीडियो बनाइए और दिखाइए क्रोशिया में कैसा है। तो बिल्कुल हम जाते ही क्रोशिया का वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे क्रोशिया में इस समय माहौल कैसा है और कितनी ठंडी पड़ रही है, और जो है कि रास्ते में भी दिखाएंगे। यहाँ से जो है हम चलेंगे दिल्ली से नीदरलैंड तक, दिल्ली का भी दिखाएंगे, नीदरलैंड का भी दिखाएंगे, टोटल सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। बस दो तीन दिन का इंतजार है आप लोगों को, दो तीन दिन और टाइम लगेगा, वीडियो आ जाएगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। और सब बढ़िया है, अच्छा है। तो मार्केट में बैठे हैं हम, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, अभी चलेंगे। दोस्तों आज का दिन सबसे बेस्ट का दिन था, हाँ बहुत ही बिजी था, और आदमी लोग मिलते ही हैं, और आज भी देखिए एक लोग मिलने के लिए आए हैं, तो कल जाएंगे, तो मिलने जुलने का सिलसिला चालू है और जारी है, लोग आ रहे हैं, मिल के जा रहे हैं। तो जिनको क्रोशिया जाना है वो मिल रहे हैं, तो जानकारी ले रहे हैं क्रोशिया के बारे में, चकासा लोग बता रहे हैं। तो जो है कि क्रोशिया तो हम अब चले जाएंगे दो तीन दिन में, उसके बाद क्रोशिया जाएंगे, तो फिर वहाँ का वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे क्रोशिया का माहौल कैसा है, और इस समय जो है कि ठंडी कितनी है, और कैसा कपड़े लेके आना चाहिए। तो आप लोग जो है कि मेरे वीडियो में बने रहिए और टोटल वीडियो का इंतज़ार कीजिए क्रोशिया के वीडियो का, जैसे क्रोशिया मैं पहुँचूँगा क्रोशिया का वीडियो आप लोग के बीच में तुरंत बना के लाऊँगा आप लोग के बीच में, ठीक है। यहाँ से जाते हुए रास्ते का वीडियो बना के दिखाऊँगा, जब नीदरलैंड पहुँचेंगे उसका भी वीडियो मिलेगा, क्रोशिया पहुँचेंगे उसका भी वीडियो मिलेगा। तो आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो आने वाले वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहेगा आप लोगों का। तो बहुत अच्छी बात है आप लोग जो है कि मेरे वीडियो में बने रहते हैं और वीडियो को लाइक और पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये हैं मिलने के लिए आए, आज इनको मैं रोक दिया हूँ, और फिर इसके बाद इनको कल इनकी विदाई होगी, कल सुबह जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
पहले मिल सके। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग, क्योंकि टाइम नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए ज़्यादा, तैयारियाँ भी करनी है, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, नमस्कार।